तो आज मैं आपको बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस में ड्यूटी का टाइम कितना होता है और हमें कितने घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है। मैं अपने एक्सपीरियंस यानी अनुभव के आधार पर मैं बताऊंगा, मैं यहाँ पर ड्यूटी कर रहा हूँ कितने घंटे मुझे ड्यूटी करनी पड़ती है, या और जो मेरे साथी हैं जहाँ अलग अलग विभाग अलग अलग मतलब थानों में है या अलग पुलिस लाइन वगैरह में है, वो किस तरीके से कितने घंटे की ड्यूटी करते हैं, ये सब जानकारी मैं आपको इस वीडियो में आपको दूंगा। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो सीधे सीधे लफ्जों में समझे कि पुलिस का काम क्या होता है। पुलिस का काम है शांति व्यवस्था बनाए रखना, और जहां मतलब अपराध होते हैं या कहीं रैली वगैरह या जो भी हमारी मतलब जहां अपराध होने की आशंका होती है, या ये कह सकते हैं कि हमें शांति व्यवस्था से अगर कोई भी काम हो रहा है शांति पूर्वक हो जाना चाहिए, क्या चुनाव हो क्या कुछ भी हो, वो हमें कराना पड़ता है। तो उसके लिए हमारी ड्यूटियाँ लगती हैं। उसके अलावा फिर हमारी बहुत सारी ड्यूटियाँ हैं विभाग में, सिविल पुलिस में तो बहुत ज़्यादा ड्यूटियाँ हैं, हमारी थाने में ड्यूटियाँ, थाने के बाहर पुलिस लाइन, बहुत सारे कार्यालय वगैरह हैं। तो उसमें हर ड्यूटी का टाइम जो होता है अलग अलग होता है। अब मान के चलिए कि आप थाने के अंदर पोस्टिंग हैं, तो थाने के अंदर आपके लिए कई प्रकार की ड्यूटियाँ हैं, चेता ड्यूटी हो गई, पिकेट ड्यूटी हो गई, पहरा हो गए, कार्यालय हो गए, CCTNS हो गए, तो हर ड्यूटी का टाइम अलग है। आप किसी एक ड्यूटी का टाइम मानकर मत चलिए। मेरा कहने का मतलब है कि आप अगर थाने पर रहेंगे तो आप 24 घंटे ड्यूटी मान के चलिए। वो इसलिए कि मान लीजिए आप CCTNS पे हैं तो रात का अलग है दिन का अलग है। मान लीजिए आप चार लोग हो, दो लोग दिन में दो लोग रात में, अगर दो लोग छुट्टी चले गए तो आपको 24 घंटे फिर वर्क करना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि रात की शिफ्ट में काम ना हो, आप दिन में करते थे और रात वाले छुट्टी पे चले गए या उन बीमार हो गए, कोई बात होगी तो आप रात में वर्क नहीं करेंगे, तो रात को भी आपको काम करना पड़ेगा। ऐसी कार्यालय का है, कार्यालय में भी मतलब कर्मचारी दो या तीन जितने भी होते हैं तो उस हिसाब से ड्यूटी फिक्स हो जाती है, 12 घंटे 8 घंटे। अब बात करें पहरा की, तो पहरा मान लो 3 घंटे हमने पहरा दिया, पहरा देने के बाद 6 घंटे हमें आराम मिलता, फिर 3 घंटे का पहरा, फिर 6 घंटे आराम। मान लीजिए आपने सुबह पहरा करा और अभी आप रूम पे गए, 2 घंटे बाद आप पता लगा कि फोर्स नहीं है, कि साहब फ़ोन चला गया कार्यालय से कि आप आइए के मतलब हमराही में आपकी ड्यूटी लगी है या चीता पे लगी है या आपको पैरोकारी में जाना है, तो मतलब ड्यूटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। पता लगा कि कहीं आप पिकेट ड्यूटी करके आएँ, आप जाके लेटे हैं, आपने खाना मतलब पैक करके अपना रखा है, खाने के लिए आप बैठे हैं, पता लगा कि वहाँ फांसी लगा ली है, आप वहाँ फोर्स है नहीं, आप वहाँ जाना है, पता लगा कि वहाँ पट्टा ना पड़ा है, वहाँ ये हो गया, तो ये सब ड्यूटी एक्ट हो जाती है, हमारी बनबार ड्यूटी है। अगर हम अपने थाने को अपने पॉइंट को छोड़ के जाएंगे तो रवानगी करा के हम कहीं अगर दूसरे ज़िले में जाएंगे, दूसरे थाने में जाएंगे तो रवानगी करा के जाएंगे, तो इतनी बंधवा हमारी ड्यूटी है, इतनी बंधवा हमारी नौकरी है। मतलब कहने का है कि आपकी जो ड्यूटी है अगर मान के चलें तो 24 घंटे आपको बिल्कुल तैयार रहना है। मान लीजिए अब मैं यहाँ रूम में हूँ अपने, मैं मतलब इस समय कोई ड्यूटी अभी ड्यूटी करके आया हूँ, अभी फ़िलहाल कोई ड्यूटी नहीं है, अभी पता लगा है कि एक मतलब वहाँ कोई लड़का डूब गया है, वहाँ साथी लोग गए हुए हैं, पता लगा कि अभी वहाँ पर रात को जाना पड़ा तो इमरजेंसी है, मुझे जाना पड़ेगा, फिर कल भी ड्यूटी करनी पड़ेगी, तो ये तो ड्यूटी है। तो कहने का मतलब है कि ड्यूटी मेरे हिसाब से 24 घंटे, जहाँ जिस पॉइंट में मैं जो ड्यूटी कर रहा हूँ, चौकी पे पोस्टिंग हूँ, तो वहाँ 24 घंटे मैं अपनी ड्यूटी मान के चलता हूँ। ना पता रात को कहीं मेरी बीट में कोई मारपीट वगैरह हो जाए, कुछ हो जाए, कहीं भी लूट हो जाए, फसाद हो जाए, A to Z कोई भी काम ऐसा हो जहाँ पुलिस की आवश्यकता हो तो वहाँ मुझे जाना पड़ेगा। अब बात करें कि पुलिस लाइन की, तो पुलिस लाइन में बहुत सारी ड्यूटियाँ, पुलिस लाइन में अगर आपके कार्यालय वगैरह में ड्यूटी है तो इतनी ड्यूटी के लिए मतलब नहीं होती है, वहाँ शिफ्ट वाई होती है। मान लीजिए आपकी FP आवास पर अगर ड्यूटी है तो वहाँ 2 घंटे या 3 घंटे, उसके बाद 6 घंटे या 8 घंटे आपका आराम होता है। उसके अलावा आपकी कार्यालय में ड्यूटी होती है, वहाँ मुलजिम ड्यूटी वगैरह होती हैं, मुलजिम ड्यूटी आप दिन में करके आए रात को आराम, तो कहीं तो आपकी ड्यूटी बन जाती है 3 घंटे की, कहीं 4 घंटे की, कहीं 8 घंटे की, कहीं 12 घंटे की, तो कहीं 24 घंटे की। तो ये हमारी ड्यूटी के हिसाब से हमारा निर्भर करता है कि हम कितने घंटे ड्यूटी कर पाते हैं। पता लगा कि आपको कहीं जाना है, तामिला के लिए आप गए, आपको 3 दिन मिले, कहीं तामिला दूसरे डिस्ट्रिक्ट या दूसरे थाने में आप तामिला के लिए गए, तो आप तामिला आपने करा लिया 2 घंटे में जा करके, आपके लिए 1 दिन बचा, आप घर चले गए। तो हर तरीके का मतलब कहने का है कि आप जिस इस विभाग में आएंगे तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। फिलहाल जितना मुझे जानकारी थी मैंने आपको दी। आप ये मान के चलिए कि फोर्स अगर पुलिस की नौकरी आप ज्वाइन करना चाहते हैं, जो 24 घंटे की आप नौकरी मान के चलिए
मेरे हिसाब से 12 घंटे तो आपको कम से कम वर्क करना पड़ेगा। अगर पिकेट ड्यूटी भी आपकी अगर लगी है तो 12 घंटे एक पॉइंट पे, एक चौराहे पे खड़े होकर आपको ड्यूटी करनी पड़ेगी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, मेरी जानकारी कैसी लगी? अगर मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और पुलिस से रिलेटेड कुछ भी आपको पूछना हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उस पर वीडियो बना के आपको समझा सकता हूँ, कमेंट करके बता सकता हूँ, मैं हमेशा रिप्लाई करता हूँ। कुछ भी पूछना पूछ सकते हैं। ठीक है, जय हिंद।